खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है, जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, अब घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। अजीत डोभाल साहब यहाँ पर इनसे मिले, बहुत से इश्यूज पर बातचीत हुई और डोभाल साहब ने एक बात क्लियरली रशिया को कह दी कि जो आपने एक नो लिमिट चाइना टिल्ट कर दिया है, इसको लेकर हम चिंतित हैं। ये जीडीपी 8% हो जाए या 18% हो जाए, उससे बंद नहीं होती है। भारत की फौज 12 लाख की है, ये 22 लाख की हो जाए, उससे खत्म नहीं होती है। ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई उससे आगे की लड़ाई है। तो ये पहला सिद्धांत है राष्ट्र की, अंतर और बाह्य शत्रुओं से लड़ने से पहले अपना मन बनाने की। और मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग यहां पर यह मन बनाने के लिए, यह प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं कि आप जिस परिवार के, जिस समाज के, जिस सभ्यता के और जिस राष्ट्र के होने वाले सपूत हैं या सपूत हैं जिसके, आप इसको कुछ देकर जाएंगे?